तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को कार्ल पियर्सन का मेथड का यूज करके। तो इस वीडियो में हम है ना इसी क्वेश्चन को इस पियर्समैन का मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे डाटा दी गई एक्स और वाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। आपको स्पीयर्समैन का फॉर्मूला पता ही होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था क्या होता है स्पीयर्समैन का फॉर्मूला। सिंपल सा क्या होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ हो जाएगा 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्पीयर्समैन का। तो चलिए इसी का यूज करके हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डाटा यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स का डाटा और वाई का डाटा। एक्स यहाँ पे कितना कितना है, 23, 27, 28, 29, 30, उसके बाद कितना है, 18, 22, 23, 24, 25। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे R1-R2, मतलब कि एक हो जाएगा x के लिए रैंक और एक y के लिए रैंक, समझ में आ गया ना। चलिए x के लिए हम रैंक निकालते हैं, Rx। सबसे जो ग्रेटेस्ट होता है उसको हम रैंक 1 देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट कितना है, ये 30 है, इसको 1 देंगे, देन इसको 2 देंगे, और इसको 3 देंगे, और इसको 4 देंगे, और इसको 5 देंगे। ठीक है, और देन y में चलते हैं, Ry। इसी तरह से यहाँ भी जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है उसको 1 देंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करते हैं हम, डी यहाँ पे क्या हो जाता है, Rx-Ry का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5-5 का तो 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0 हो गया। देन यहाँ भी सिमिलरली 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जा रहा है, समेशन डी स्क्वायर का 0। ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए हम फार्मूला में लगाते हैं, रो इज इक्वल टू 1-6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे 1-6 समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू 0, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए डाटा कितना दिया गया है, 3-5, तो यहाँ 5 आ जाएगी एन की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 5³-5, 1-0 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 का 0, यहाँ हो जाएगा सिंपल साइज का 1 हो जाएगा आंसर। आज अगर इस क्वेश्चन को समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था कार्ल पियर्सन के मेथड से, तो इस वाले क्वेश्चन को फिर से हम करते हैं एस पियर्समैन के मेथड से। यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख देते हैं, टेबल बना देते हैं, x और यहाँ y। x का वैल्यू यहाँ पे जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 35, 38, 39, 44, 43, 45। टेबल मैंने बना दिया, सिंपल से क्या होता है रैंकिंग करते हैं। तो यहाँ हम Rx देते हैं इसके लिए रैंक, और एक हम देते हैं Ry इसके लिए रैंक, और यहाँ पे हम दे देंगे डी स्क्वायर, मतलब कि Rx-Ry का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेटर खोजते हैं, ग्रेटर इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 62 है, तो 62 को हम क्या दे देंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे उससे कम कितना है, 60 है, तो 260 आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रैंकिंग कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा और एक 3 आएगा, तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एवरेज कितना होता है, 2+3/2, 5/2, 2.5। तो इसको हम दे सकते हैं 2.5 रैंकिंग, इससे भी 2.5 दे देंगे। अब क्या करेंगे, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी, और 4 देंगे इससे हम। ठीक है, इसे हम 4 का रैंकिंग दे देंगे, देन इसे हम दे देंगे 5 का, और इसे दे देंगे 6 का, और इसका 7 का दे दिए, इसका रैंकिंग हो गया। अब सिंपल सा वाई का करते हैं,
वाई के लिए इस वाले डाटा का यूज करेंगे, इसमें सबसे हाईएस्ट खोजेंगे कौन सा है, 45 है तो इसको 1 दे देंगे। देन यहाँ पे कितना है तो हम लोग 2 देंगे और इसे 3 देंगे, देन इसके हम 4, इसे 5 देंगे। लेकिन ये भी रिपीट कर रहा है तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। 5 + 6/2 11/2 इसका कितना हो जाएगा एवरेज 5.5, तो यहाँ 5.5 हो जाएगा। और इसको हम रैंकिंग दे देंगे 7। तो हमारी रैंकिंग तो हो गई, आपको समझ में आ गया होगा मैंने रैंक कैसे किया है RX और RY। तो अब चलिए अब उसके बाद क्या है डी स्क्वायर निकालते हैं। तो डी स्क्वायर कब निकलता है RX माइनस RY करते हैं, तो RX माइनस RY यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा 1.5 आएगा, तो 1.5 कितना होता है 2.25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.5, मतलब कि हो जाएगा 0.25, और इसका 0, और इसका भी कितना हो जाएगा 0.25, और इसका भी हो जाएगा 0.250 का स्क्वायर। इसका हम सम निकाल लेते हैं, सम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे समेशन इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, डाटा तो हो गया, फार्मूला क्या था आपका 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगा क्योंकि हमारा रैंक है ना रिपीट कर रहा था, रैंक में रिपीट कर रहा था, तो ये फार्मूला सिंपल सा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप इस तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा इस वाले फार्मूला को, 1 - 6 यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एफ अपॉन n³ - n। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कब, जब रैंक हमारा रिपीट कर रहा हो, तो इस तरह से। तो यहाँ पे f का मतलब आप लोग मैं बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पे f सिंपल सा क्या होता है m² - 1/12। f यहाँ पे ये होता है, और यहाँ पे m हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स जितने रिपीट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग, मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3 आई, तो 3 मैंने रख दी। अब चलिए एफ़ की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे कौन कौन रिपीट कर रहा था, एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 रिपीट कर रहा था, यहाँ पे एफ 60 लिख दिए। फिर कौन सा रिपीट कर रहा है इस वाले डाटा में, 38 रिपीट कर रहा था, यहाँ उसको भी ले लिया हमने 38, ठीक है, और कोई रिपीट नहीं ना कर रहा है, नहीं और कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एफ निकालना था, एफ़ 60 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है ना। तो सिंपल सा हम m की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 1/12। फिर इसी तरह से 38 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, m की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे m का वैल्यू 2 लेंगे और यहाँ पे 4 - 1/12। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4 - 1 = 3/6, और इधर भी कितना हो जाएगा 3/6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और फाइनल आंसर आ जाएगी 2/2 देन 1। तो हमारी एफ की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 7³ - 7, एन की वैल्यू 7 है, देख लीजिए काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन की वैल्यू 7। इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, 1 - 6 और ये 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/, इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7³ = 336 आ जाएगा, 336, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सिंपल से कैलकुलेटर हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 12 / 336 इक्वल्स, और हमें क्या करना है 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस आंसर कर देंगे तो आ जाएगा 0.96। तो ये हमारा निकल गया रैंक, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रैंकिंग किया डाटा के अनुसार से। रैंकिंग करते हो तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 इक्वल आ जा रहा था, तो मैंने बता भी दिया कैसे हमें रैंकिंग किया, यहाँ पे एवरेज निकाल के हमने किया, सिंपल सा 2 और 3 आ रहा था यहाँ पे, तो 2 और 3 का एवरेज निकाल के और दोनों को यहाँ पे लिख दिया। और सिमिलरली इसी तरह से इसको भी रैंकिंग मैंने उसी तरह किया। देन यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, इसमें माइनस एफ 6 × समेशन डी स्क्वायर माइनस एफ
डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब जहाँ भी रैंक रिपीट करे तो आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा। यहाँ पे एफ़ क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया, एफ का फॉर्मूला यहाँ पे है एफ इज इक्वल टू एम इंटू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। और यहाँ पे एम क्या था, कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 62 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो हमने सिंपल सा एम की वैल्यू 2 लिया और फाइंड करके हमने एफ़ की वैल्यू निकाल लिया और एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसे कैलकुलेट कर लिया। तो वही हमारा फाइनल हो गया आंसर, कौन सा मेथड, स्पीयर्समैन मेथड। तो जहाँ पर रैंक, तो कहीं कहीं पे आपको है ना रैंक दिया रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप लोग रैंक निकालने कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या कीजिए, डी स्क्वायर निकाल लीजिएगा। डी स्क्वायर को पता ही कैसे निकाला जाता है, दोनों रैंक को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा डी स्क्वायर निकल जाएगा और इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गया होगा, कार्ल पियर्सन और ये वाला स्पीयर्समैन मेथड। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।